तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। रूठे सुजन प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। हीरा सिर ते काटिए, मलिए लून लगाए, हीरा सिर ते काटिए, मलिए लून लगाए, रही मन करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। रहीम न विपदा विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। समय पाए फल होता है, समय पाए छरी जात, समय पाए फल होता है, समय पाए झरी जात, उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। भीतर फाके तीन रही माँ, भीतर
से प्रेम न जोड़ा जाए, जो ऊपर से तो ऐसा मालूम होता है कि वह दिल से मिला हुआ है, लेकिन अंदर जिसके कपट भरा है। खीरे को ही देखो, ऊपर से तो साफ सपाट दिखता है, पर अंदर उसके तीन तीन फांके हैं। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग। पाटनवाद को लगे जो मेहंदी को रंग, रहीमा जो मेहंदी रहीम। कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन की फेर। रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन की फेर। जब नी के दिन आए हैं, बनत न लगी महत्व को समझाते हुए रहीम दास कहते हैं कि जब विपत्ति काल आए तो सबसे बड़ा साथी होता है मौन। मनुष्य को मौन धारण कर अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। सरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए ही न पाड़। सरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए ही न पाड़। मनुष्य जीवन में परोपकार का महत्व समझाते हुए रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना जल नहीं पीती और सदा दूसरों के लिए तत्पर रहती है, उसी प्रकार परोपकारी मनुष्य भी परोपकार करते हुए अपना जीवन नर नारायण की सेवा में व्यतीत कर देते हैं। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयुक्त किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से है। मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। तीसरा अर्थ आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे के बिना संसार का अस्तित्व नहीं, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं, उसी तरह विनम्रता के बिना व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता। मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। रही मनोचे नरन सो, बैर भली ना प्रीत। रही मनोचे भली ना प्रीत। काटे
प्रीति और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। जैसे कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों को विपरीत नहीं माना जाता है। चाह गई चिंता मेटी, मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मेटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए, वे साहन के साह रही माँ, वे साहन जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज की चाह है ना ही कोई चिंता है, और मन तो बिल्कुल बेपरवाह है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह रही बाहर का घट्यो, जो भृगुमारी लात रही माँ, जो भृगुमारी लात। बड़ों को क्षमा शोभा देती है और छोटों को उत्पात यानी बदमाशी। अगर छोटे बदमाशी करें तो कोई बड़ी बात नहीं, और बड़ों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। छोटे अगर उत्पात मचाए तो उनका उत्पात भी छोटा ही होता है। जैसे यदि कोई कीड़ा या भृगु अगर लात मारे भी तो उससे कोई हानि नहीं होती। करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग रहीमा, लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी ने कहा कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है उन लोगों को बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष को लिपटे रहने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़े, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी रही माँ, कहाँ करे तरवारी। बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ बड़ी तलवार क्या कर सकती है। रही मन निज संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय। रही मन निज संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, रही माँ नहीं रवि सके बचाए। रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार
पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे, फिर भी उसे बचाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति ही होती है। लोहे की न लोहार की रही मन कही विचार, लोहे की न लोहार की रही मन कही विचार, चाहनी मार शीश पे ताही की तलवार रही मार, ताही की तलवार। रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार ना तो लोहे की कही जाएगी ना लोहार की, तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है।